It is well said that knowledge is of no use unless you put it in a practice. बिना प्रैक्टिस के आपका जो ज्ञान है वो बेकार है. आपने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, अगर आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया तो वो बेकार है. So, this is Kajal Makheja, your new English teacher. I hope you all are doing good at your place. So, today we will start our literature part. Let's get started. This is class 6 English literature and today we will begin our new chapter, Who Did Patrick's Homework? This is from your Honeysuckle book. This story is about a boy named Patrick who didn't like to do homework. Do you like homework? क्या आपको homework करना पसंद है? Yes or no? Do you do it yourself or do you get help? क्या आप उसे खुद से करते हैं या आप किसी की मदद लेते हैं? Of course, we need some help. Sometimes we need help from our friends, from our parents, from our tuition teacher. What homework do you usually have? आपको generally कौन से homework मिलते हैं? In English, you got the homework like English grammar exercises, question answers. In science, you will have your experiments. And in maths, you will have your maths practice sessions, maths practice exercises. So, we will begin our story. Patrick never did homework. Too boring, he said. पैट्रिक जो था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. ही डिडंट लाइक टू डू होमवर्क. उसे बिल्कुल भी होमवर्क करना पसंद नहीं होता था. उसे होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. वो हमेशा क्या खेलता था? उसे हॉकी खेलना पसंद था, उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद था, उसे निंटेंडो खेलना पसंद था. निंटेंडो इज़ अ काइंड ऑफ वीडियो गेम. यू मस्ट नो इट. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके teachers उसे हमेशा scold करते थे कि Patrick, do your homework, अपना homework करो. Otherwise, you won't learn a thing. नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. और ये सच भी था. कभी कभी उसे ऐसा फील होता था कि जैसे उसे कुछ भी नहीं आता. He is an ignoramus guy. उसे ऐसा लगता था कि वो ignorant है, उसे कुछ भी नहीं आता. अब जैसे कि आप 6th क्लास में हैं और अगर आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ना आए तो कैसा लगेगा? तो हम उस इंसान को बोलेंगे ही इज़ एन ignoramus. बट वॉट कुड ही डू? ही hated homework. मगर वो कर भी क्या सकता था? ही didn't like to do homework. उसे homework करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने क्या देखा? उसके पास एक cat थी. वो उसने क्या देखा कि उसकी जो cat है उसके पास एक little doll है, उसके पास एक छोटी सी doll है और उसने उसे grab कर लिया. Grab means होता है to seek something या to seek किसी भी चीज़ को पकड़ना, किसी भी चीज़ को suddenly पकड़ना. तो उसने उसके पास जो वो लिटिल डॉल थी उसने उसे ग्रैब कर लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज़न्ट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज. वो क्या था? वो एक डॉल नहीं थी. वो क्या था? एक छोटा सा मैन था. टाइनीएस्ट साइज का मैन था, एक छोटा सा मैन था. आपने वो मूवी देखी होगी जजंतरम ममंतरम. उस मूवी में क्या होता है कि वहाँ पे सारे टाइनी क्रिएचर्स रहते हैं. बिल्कुल वैसा ही था. वो एक एल्फ था. एल्फ इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएचर, अ मैजिकल क्रिएचर हु हैज़ पॉइंटेड ईयर्स. एल्फ के क्या होते हैं? एल्फ जैसे हमने देखा है कि स्टोरीज में, हम फोक टेल्स में देखते हैं या हम कार्टून्स में देखते हैं कि कोई टाइनी लिटिल पर्सन है और उसके पॉइंटेड ईयर्स हैं एंड ही हैज़ सम मैजिकल पावर्स. उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी हैं. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस.
उस टाइनियस वो जो टाइनियस सा क्रिएचर था उसने क्या पहना हुआ था, उसने एक वूल शर्ट पहनी हुई थी, मतलब एक वूलन शर्ट पहनी हुई थी, एक ऊन की शर्ट पहनी हुई थी विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, और ब्रिचेस मीन्स होता है ट्राउजर्स, और उसने नीचे ट्राउजर्स पहने हुए थे एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और उसके हेड पे एक हैट थी जो कैसी दिख रही थी, जैसे कि विचेस पहनती हैं, जादूगरनियाँ पहनती हैं, वैसी हैट उसके हेड पे थी। ही येल्ड सेव मी डोंट गिव मी बैक टू द कैट, येल्ड मीन्स होता है टू शाउट, तो उसने बहुत जोर से चिल्लाया सेव मी मुझे बचा लो, मुझे उस कैट को वापस मत दो, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मतलब कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ, आई प्रोमिस यू दैट, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़रूर तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। पैट्रिक कुडन बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हाउ वॉज द आंसर, हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स एंड ही गॉट द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ही डिडन्ट लाइक होमवर्क सो ही गॉट द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम्स एंड सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डेज। तो उसने क्या कहा एल्स से कि तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुमको मेरा होमवर्क करना है, और कब तक करना है, जब तक ये सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता, फॉर द नेक्स्ट 35 डेज, 35 डेज तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना है। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट्स एज, अगर तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया तो मुझे ए ग्रेड मिल सकता है। द लिटिल मैंस फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्प, और जो वो जो टाइनियस सा क्रिएचर था उसका फेस क्या हो गया, रिंकल हो गया, उसका फेस श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। जब हम किसी टेंशन में रहते हैं तो हमारा फेस कैसा हो जाता है, रिंकल्ड, वैसे ही उसका भी फेस हो गया, श्रिंक हो गया उसका फेस। जैसे कैसे श्रिंक हो गया, डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर मीन्स बकेट। जब हम किसी कपड़े को धुलते हैं और जब हम उसे निचोड़ते हैं तो वो कैसा होता है, द क्लॉथ हैज़ मैनी रिंकल्ड, उसमें बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं। तो उस टाइनियस क्रिएचर का भी फेस कैसा हो गया, बहुत ही ज़्यादा रिंकल्ड हो गया, बहुत श्रिंक हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पोज्ड हिज लिप्स, उसने क्या किया, उसने अपने पैर से एक लात मारी। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट, उसने अपने हाथों को, अपने हाथों की फिंगर्स को बंद कर लिया, और जैसे हम किसी को पंच मारते हैं और जब, या फिर हमें बहुत तेज़ गुस्सा आता है या फिर हम बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं तो हम अपने दोनों हैंड्स बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसने बंद कर ली अपनी फिंगर्स और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। ग्रिमेज एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स का मीन्स होता है जैसे उसे भी ये चीज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही ऑल्सो डिडन लाइक टू डू होमवर्क दैट्स वाई ही बिकम एंग्री, इसीलिए वो क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। ओ आई एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, क्या मैं श्रापित हो गया हूँ, कर्स मीन्स होता है कि श्राप देना, क्या मैं श्रापित हो गया हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन उसने कहा कि मैं करूँगा, बस प्लीज़ मुझे वो उस कैट को मत देना। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जैसा कि उसने कहा था, ही ट्रू टू हिज वर्ड्स, उसने अपने वर्ड्स को रखा, उसने उसकी प्रॉमिस मानी और उसने क्या किया, पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच मीन्स होता है जैसे कि अगर कोई भी मशीन है उस मशीन में कुछ खराबी आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम न्यू न्यू वॉशिंग मशीन लेके आए और उसमें कुछ खराबी आ जाए तो उस खराबी को बोलते हैं ग्लिच। तो ग्लिच क्या था, एक द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो
वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। जो एल्व था, वो जो टाइनियस्ट क्रिएचर था, उसे कभी भी नहीं पता रहता था कि उसको करना क्या है। उसे समझ नहीं आता था कि उसको आगे करना क्या है। एंड ही नीडेड सम हेल्प, उसे हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही हैड से, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और पैट्रिक को क्या करना पड़ा, एट लास्ट उसकी हेल्प करनी पड़ी हर तरीके से। वॉट एवर वे मीन्स हर तरीके से पैट्रिक को एल्फ की हेल्प करनी पड़ी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब क्या क्या एल्फ ने स्क्वीक्ड किया, मतलब और ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे ये वर्ड नहीं पता है, गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी ले आओ। नो, वॉट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। उसने कहा डिक्शनरी तो ले आओ, उसके अलावा तुम क्या करो, इस डिक्शनरी में वो वर्ड फाइंड आउट करो और उसे प्रनाउंस करो, उसे लेटर बाई लेटर बोलो, तभी मुझे पता चलेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। वेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। वट आर टाइम्स टेबल। अब तो हो गई इंग्लिश का, इंग्लिश के बारे में तो उसे कुछ पता नहीं था, इंग्लिश की वोकैबुलरी उसके उसको पता नहीं थी, इंग्लिश के वर्ड्स उसको समझ नहीं आ रहे थे। अब किसकी चांस आई, मैथ्स की चांस आई। तो अब पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, वॉट आर टाइम्स टेबल। अब एल्फ पैट्रिक से क्या पूछने लगा कि ये टाइम्स टेबल क्या होती है, मीन्स उसे टेबल भी नहीं पता था कि टेबल क्या होती है। द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। उसने बोला हमें तो इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। ना उसे एडिशन पता था, ना सब्सट्रैक्शन पता था, ना डिवीजन पता था और ना फ्रैक्शन पता था। उसने क्या बोला कि तुम मेरे बगल आके बैठो और मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू देम, इट्स अ मिस्ट्री। अब हिस्ट्री की टर्न आई। अब उसने कहा क्या बोला, हिस्ट्री के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, ये तो मेरे लिए एक मिस्ट्री है, मतलब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। अब एल्फ को गुस्सा आने लगा कि ये सब क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, और वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और लाइब्रेरी जाओ, वहाँ से बुक ले आओ, वहाँ से बहुत सारी बुक्स ले आओ, और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे इसको पढ़ के बताओ कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा है कि एल्फ पैट्रिक की हेल्प कर रहा है या फिर पैट्रिक अपना होमवर्क खुद ही कर रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग मीन्स होता है अ पर्सन हु ट्रबल्स समवन बाय आस्किंग समथिंग टू डू। नैग मीन्स होता है कि अगर कोई भी पर्सन आपको परेशान करे, या आप किसी पर्सन को परेशान करो बार बार उससे सवाल पूछ के, बार बार उससे कंप्लेन करके, ये क्या है, ये कैसे होगा, ये तुमने क्या कर दिया, ये सब हम किससे करते हैं। नैग हम हमेशा अपने, ज़्यादातर अपने सिबलिंग्स के साथ करते हैं, हम आपस में एक दूसरे को नैग करते हैं। नैग मीन्स परेशान करते हैं एक दूसरे को कंप्लेन करके, या फिर उनसे फालतू के क्वेश्चंस पूछ कर। तो एल्फ क्या था, पैट्रिक के लिए कैसा बन गया था, नैग बन गया था, मतलब एल्फ पैट्रिक को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक जो था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था जितनी मेहनत उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं की थी। वॉज इट अ ड्रैग, और ये जो काम था ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गया था, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। अब वो अपना होमवर्क करने के लिए, मतलब वो एल्फ की हेल्प करने के लिए रात भर जागता था,
लाइब्रेरी जाता था, उसके लिए बुक्स ले आता था, उन बुक्स को पढ़ता था और फिर एल्फ को गाइड करता था, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो रातों में सो नहीं पाता था और वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और उसकी आईज़ क्या थी, स्वेल्ड हो गई थी, उसकी आईज़ जो थी वो ब्लेरी हो गई थी, मतलब कि स्वेलिंग हो गई थी उसकी आईज़ में, उसकी आंखें सूज गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से ठीक से सोया नहीं है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब क्या था, वो 35th डे आ गया और एल्फ अब फ्री था कि अब वो यहाँ से जा सकता है। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब क्या था, लास्ट डे आ गया था, जैसा कि था एल्फ ने बोला था, पैट्रिक ने बोला था 35th डे तक तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मेरा होमवर्क करोगे, और वो 35th डे आ गया था। अब एल्फ बहुत खुश हो गया, हाँ आज लास्ट डे है, अब मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। और उसने क्या किया, क्वाइटली एंड स्लाइली, क्वाइटली मतलब बहुत चुपचाप और स्लाइली मतलब सीक्रेटली और चुपचाप वो क्या किया, उसने वो पीछे के दरवाजे से निकल लिया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब क्या था, जब रिजल्ट आया तो पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को क्या मिला, ए ग्रेड मिली और उसके क्लासमेट्स बहुत ही ज़्यादा अमेज थे, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे कि जो लड़का बिल्कुल भी पढ़ता नहीं था, जिसे होमवर्क करना नहीं पसंद था, उसे ए ग्रेड कैसे मिल गया। और उसके टीचर्स जो थे वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेज कर रहे थे, वो उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और उसके पेरेंट्स तो सोच में पड़ गए कि पैट्रिक के साथ हुआ क्या है, आखिर ये इतना चेंज कैसे हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्या कहलाने लगा अपनी क्लास में, वो एक मॉडल किड बन गया। और जो टीचर्स थे उन बच्चों को, जो बच्चे अभी तक अपना होमवर्क नहीं करते थे, उनको वो पैट्रिक का एग्जाम्पल देने लगे कि आप लोग पैट्रिक से सीखिए। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब क्या था, पैट्रिक का जो था नेचर, वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था, उसने अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, वो बिल्कुल ही बदल चुका था। अब वो अपना रूम साफ करता था, डिड हिज चोज मतलब होता है डेली रूटीन के काम, जैसे ब्रश करना, ब्रेकफास्ट करना, स्कूल के लिए रेडी होना, ये हमारे क्या है, डेली रूटीन के काम हैं, तो इसे हम बोलते हैं चोज। और वो हमेशा खुश रहता था, वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था और उसकी जो पर्सनालिटी थी वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई थी। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन टू डू ऑल हिज वर्क। अभी भी पैट्रिक को क्या लग रहा था कि उस एल्फ ने सारा होमवर्क किया है और पैट्रिक ने कुछ भी नहीं किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। और जो नरेटर है, जो हमें स्टोरी बता रहा है, वो क्या बोल रहा है कि मैं आपके साथ ये सीक्रेट शेयर करता हूँ, ये सीक्रेट सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेगा। इट वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। और एट लास्ट क्या हुआ कि पैट्रिक ने एल्फ की हेल्प ले करके अपना होमवर्क खुद ही किया। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय कैरल मूरे। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। तो कभी कभी हमें सिर्फ एक पुश की ज़रूरत होती है, कभी कभी हमें वो सपोर्ट की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, और हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी हमने खुद भी उम्मीद नहीं की होती है। थैंक यू।